दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का कीपैड फोन है और आपके फोन का जो यह लाइट है ना, वो हमेशा ही ऑन ही रह रहा है, ऑफ होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को बताएंगे कि यह जो लाइट है, अगर आपके फोन में हमेशा ऑन ही रह रहा है, तो इसको हम कैसे ऑफ करेंगे। जैसे कि इसको यदि हम 10 सेकंड पर सेट भी कर रहे हैं, फिर भी यह क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइट है ऑन ही रह रहा है। आप अपने फोन को रिसेट भी कर दिए हैं, फिर भी आपका फोन नहीं सही हो पा रहा है, तो इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपका जो ये लाइट है सैमसंग फोन का, वह आपका बंद होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके सैमसंग कीपैड फोन का जो लाइट है ऑन का ऑन ही रह रहा है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और जो सेटिंग को हम बताएंगे, उस सेटिंग को आप अपने फोन के अंदर में कीजिएगा, यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है, इस वीडियो में बताया हूं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का कीपैड फोन है और आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो लाइट है परमानेंटली ऑन ही रह रहा है, आप कोई भी प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी यह लाइट बंद होने के नाम नहीं ले रहा है, बंद हो रहा है फिर ऑन हो जा रहा है, आप हर सेटिंग कर कर परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि अपने फोन को रिसेट भी कर दिए हैं, फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाया है, तो अब आइए इसका हम मेन सोल्यूशन बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना यही है कि आपको अपने फोन में एक कॉड को डायल करना है। कॉड है दोस्तों *2767*3855। ध्यान से कॉड को देखिए, आपके पास चाहे कीपैड फोन सैमसंग का कोई भी हो, उस फोन में यह कॉड डालना है *2767*3855। उसके बाद में लास्ट में आपको हैश लगा देना है। जैसे लगाएंगे, आपके डिस्प्ले पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा होगा फुल रीसेट, डू नॉट पावर ऑफ ड्यूरिंग, यानी कि 1 मिनट के अंदर में आपका जो यह फोन है ना, बिल्कुल हार्ड रीसेट हो जाएगा। हार्ड रीसेट का मतलब है दोस्तों कि आपका फोन पहले की तरह नया हो जाएगा, और यह जो प्रॉब्लम थी आपकी लाइट वाली, वह लाइट वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी हमारा फोन का जो लाइट था ऑन का ऑन ही रहता था, लेकिन अब हमारे फोन का जो लाइट है आपके सामने देखिए बंद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के अंदर में देखिएगा, 10 सेकंड के अंदर में यह जो फोन की लाइट है ऑटोमेटिक बंद होगी। ध्यान से देखते रहिए, तो देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ी देर के अंदर में हमारे फोन की लाइट ऑफ हो गई। पहले यह ऑफ नहीं होता था, ऑन का ऑन ही रहता था। तो यह जो कोड मैंने बताया, वह कोड आप अपने सैमसंग कीपैड फोन में डायल कर ओके कर लीजिए, आपकी जो ये प्रॉब्लम थी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इस कोड से आपका फोन हार्ड रिसेट हो जाता है और आपके फोन में कोई भी गड़बड़ी होती है वह सही हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को यही जानकारी दे रहे थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।